मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पीएचडी पास करते हैं और पीएचडी करने के दौरान आप फेलोशिप चाहते हैं तो सीएसआईआर के अलावा एक और फेलोशिप मैं यहां पे लेके आया हूं, जो है डीबीटी जेआरएफ। तो डीबीटी जेआरएफ एक फेलोशिप है सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट के अलावा। ये डीबीटी जेआरएफ में एक एग्जाम होता है बेट, वो क्या होता है, किसके लिए होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा और कब इसका फॉर्म रिलीज होता है और उसके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जाम क्या है, बेट क्या है। तो बेट है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2022 का दिया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी 2023, 24, 25 जो भी होगा ईयर। तो यहाँ पे जो बेट एग्जामिनेशन है वो डीबीटी कंडक्ट कराता है और इसमें रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है। कितने रुपए मिलेंगे उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखो कि ये 2004 से शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो बेट एग्जामिनेशन है वो बेट एग्जामिनेशन को दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में कौन कौन सा है, डीबीटी जेआरएफ को दो कैटेगरीज में बांटा गया, कैटेगरी वन है और एक है कैटेगरी टू। तो कैटेगरी वन में इस हिसाब पे बांटा गया है कि अगर आपने बेट में एग्जाम दिया और बेट का एग्जाम दो भाग में दिया, तो कैटेगरी वन उसके लिए है जो सबसे हाईएस्ट रैंक में होंगे। तो जो जो भी टॉप रैंकर्स होंगे, टॉप रैंकर्स मतलब ऐसा नहीं कि टॉप 10, 50, ऐसा जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे शुरू के जो स्टूडेंट होंगे उनको कैटेगरी वन में रखा गया है और इस कैटेगरी वन वाले बच्चों को मिलेगा जेआरएफ, ठीक है। और किसी भी डीबीटी जेआरएफ इनको फंडेड करे फंड होगी और डीबीटी जेआरएफ लगभग 35,000 के करीब है, ठीक है। 35,000 इनको रुपए मिलेंगे, साथ साथ इनको एचआरए भी मिल सकता है अगर वो बाहर रहते हैं और कुछ कंटीजेंसी अमाउंट भी इनको मिलता है। कंटीजेंसी अमाउंट मतलब सालाना आपको हो सकता है 2 लाख या 3 लाख ऐसा कुछ, लगभग 2 लाख अमाउंट रुपए मिलते हैं आपको, ठीक है, सालाना। तो ये पैसे आपको मिलेंगे कैटेगरी वन में अगर आप आते हैं तो इसके लिए ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, टॉप आपको शुरुआत के कुछ रैंक शुरुआत के रैंक्स में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी कैटेगरी टू के बारे में क्या, कैटेगरी टू है कि अगर आप कैटेगरी टू में आते हैं, मतलब कि अगर आपको डीबीटी जेआरएफ नहीं मिल रहा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको नहीं मिला, तो आपको कैटेगरी टू में रखा जाएगा। और कैटेगरी टू में आप कहीं पे भी किसी भी डीबीटी फंडेड लैब में, किसी भी डीबीटी फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में अगर आप चाहें तो वहां पे आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं और वहां पे आपको नेट या गेट क्वालिफिकेशन करने के बाद जो आपको वहां पे फेलोशिप मिलती थी वही आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप कैटेगरी टू के साथ आप डायरेक्टली डायरेक्टली पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन कैटेगरी वन के साथ आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और आपको फेलोशिप भी वही मिलेगी। कैटेगरी टू के साथ आप किसी भी प्रोजेक्ट में, डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप जाके वहां पे काम कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी जो होगी वो, या फेलोशिप कह लो, तो वो होगी नेट और गेट क्वालिफिकेशन में जितना भी आपको मिलता है सेम उतनी ही सैलरी आपको ये लोग भी देंगे। देन ये था डिबेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो ऐसा कुछ जो आपको लगा कि अगर जाननी चाहिए तो अगर आप अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप उसको 1.5x पे चला के देख सकते हैं। डिटेल ऑफ फेलोशिप, फेलोशिप्स की डिटेल वगैरह हम लोग बात करने के दौरान यहाँ पे बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। थोड़ी बहुत जो डिटेल यहाँ पे और मुझे ऐड करनी है कि जो फेलोशिप होती है, अगर आपने बेट क्वालिफाई कर लिया तो बेट क्वालिफाई करने के बाद ये फेलोशिप आपके 2 साल तक के लिए वैलिड होगी। अगर 2 साल के लिए आप कहीं पे एडमिशन नहीं लेते तो फिर आप ये वैलिड ये बेट आपका वेस्ट हो जाएगा आपका रिजल्ट। साथ साथ आपको जब भी आपने क्वालिफाई किया है, बेट क्वालिफाई अगर आप कैटेगरी वन में आ चुके हैं तो कम से कम 1 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं सॉरी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लेना है और इसका पूरा प्रोसेस, इसके फंडिंग फेलोशिप
तभी स्टार्ट होगी जब आप उसके कहीं पे पीएचडी में इनरोल होंगे। तो जहां पर भी आप पीएचडी में इनरोल होंगे, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद ही ये आपकी बेड फेलोशिप स्टार्ट होगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दौरान चालू रहेंगे। मतलब पीएचडी लेने के बाद ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन द्वारा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी तक डीबीटी को भेजा जाएगा। अगर हाँ, यहाँ पे ये बात इन लोगों ने साफ कर दी कि आरसीबी या ये जो डीबीटी है, ये मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी पीएचडी में कहीं में एडमिशन लेने के लिए। आपको खुद अपने फॉर्म्स अप्लाई करने या रिज्यूम्स आपको भेजने अपने प्रोफेसर के पास किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाके, तो डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं। इस तरह से आपका पीएचडी में एडमिशन हो सके। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करेंगे तो आप उस कॉलेज में इंटरव्यू पीएचडी स्कॉलर के रूप में जा सकते हैं। फिर वहां से डीबीटी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ चलो, तो एलिजिबिलिटी पे हम लोग अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? आपको कम से कम एमएससी मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आप एमबीबीएस हो सकते हैं, या फिर बीटेक हो सकते हैं, बीई हो सकते हैं। तो साइंस की फील्ड में अगर हम लोग देखें, प्योर साइंस की अगर हम लोग फील्ड में बात बात करें, तो आपका इंटीग्रेटेड एमएससी मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी मामले में, ठीक है? और या फिर आप मेडिकल साइंसेस हैं तो एमबीबीएस हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो बीटेक भी आपका रहेगा तो चलेगा। सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी हो, या लाइफ साइंसेज हो, या फिर बायोमेडिकल साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे कम से कम ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कोई होने चाहिए, ठीक है? देन कैंडिडेट एडमिटेड टू इन एनी ऑफ द एमएससी वगैरह वगैरह एग्रीकल्चर में, आप एमएससी एग्रीकल्चर हो या एमटेक हो या वेटनरी में भी अगर हो तो ये आप एग्जाम दे सकते हो। मार्क्स कितने चाहिए? कम से कम, कम से कम आपको 60% मार्क्स लेने लाने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और जो एससी एसटी जो भी है कैटेगरीज वाले वो लोग को कुछ 5% की छूट मिली हुई है, और उनको कम से कम 25% मार्क्स लाने होते हैं। एज लिमिट जो है कैटेगरीज के लिए अप टू 33 ईयर है, ये बढ़ा के मतलब एज लिमिट उनको 5 साल तक छूट दिया गया है, और फीमेल्स के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है, तो उनको 31 साल तक वो एग्जाम ये दे सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको सिर्फ 28 साल तक भी वो ये एग्जाम दे सकते हैं। तो सॉरी, वुमेन्स के लिए ये 33 साल तक का है, और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में उनको 21 साल तक की छूट दी गई है इस एग्जाम को देने के लिए। नेशनलिटी तो आप यूरोपियन होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? यूरोपियन नहीं होना चाहिए, क्या है, इंडियन होने चाहिए भाई, इंडिया के एग्जाम है तो इंडियन तो होने चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। तो कैंडिडेट हु आइदर अपीयर्ड इधर ड्यू टू देयर अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग वगैरह वगैरह, छोड़ो ये। तो ये था एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के बाद से हम लोग ने क्या डिस्कस किया? एलिजिबिलिटी के बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये रहा, ठीक है? सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा सा है, तो मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। इसको सिलेबस देखने से पहले हम लोग एक बार एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा है? एग्जाम का पैटर्न जो है बेट का है वो दो सेक्शंस में है, पहला सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 50 क्वेश्चन सारे कंपलसरी होते हैं, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब से मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका हो गया पूरा कंप्लीट में। सेक्शन बी भी होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में, आपको क्वालिफिकेशन में बहुत कुछ क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपके पास रहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप उसको छोड़ सकते हो, और कंफर्म जो भी क्वेश्चन आए आप उसको छाट सकते हो और उसको सही सही लगा सकते हो। तो 150 मार्क्स तो आपके पक्के आने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे भी 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स
यहाँ पे 150, तो दोनों सेक्शन ए और बी को मिला के 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या जिनको दिखता नहीं है, या फिर जो किसी भी तरह से दिव्यांग है, तो उनके लिए आप स्क्राइब्स रख सकते हैं। और स्क्राइब्स जो होते हैं वो आपको एनटीए ही देगा, आप अपने से कोई स्क्राइब्स नहीं ले जा सकते। स्क्राइब्स अलग अलग तरह से आप ले, मतलब आपके दिव्यांग के परसेंटेज के हिसाब से आपको स्क्राइब्स मिल जाएंगे, और आप फॉर्म भरने के दौरान ही आप वहां पे चूज करेंगे तो आपको एनटीए स्क्राइब्स दिलवा देगी। स्क्राइब्स क्या होता है, मतलब कि अगर आपको दिख नहीं रहा, या फिर आपके कोई हाथ काम नहीं कर रहे, आप सीबीटी नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे, कि अगर आपके हाथ काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके साथ एक आदमी बैठेगा और वो आदमी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा, आपको समझाएगा नहीं क्वेश्चन को, और आपके बोलने पर वो सही क्वेश्चन को टिक करेगा, यही काम वो स्क्राइब करेगा। मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम देखो 3 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में, हाँ कहाँ गया यार, सेक्शन ए, ठीक, तो सेक्शन, हाँ तो जस्ट ए सेकेंड, टाइम कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ देते हो, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो मतलब इसका पॉइंट 33 है, इस पर नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव होने पर आपको 33 मार्क्स, 0.33% आपको काट लिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पे एक नेगेटिव, एक क्वेश्चन सही करने पे, एक गलत करने पे एक नेगेटिव जाएगा, एक सही करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और छोड़ने पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था इसका मार्किंग स्कीम, और सेक्शन बी में भी सेम ही स्कीम है, कोई अलग नहीं है। तो अब बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस का पार्ट ए आप देख सकते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी उसी में बांटा गया है, तो ये मैंने बस मार्क किया है बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं बता दूंगा, बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, ठीक है। जनरल कमेंट वगैरह पार्ट ए के जो क्वेश्चन सिलेबस है वो आपके स्क्रीन के सामने एक बार आप आराम से देख सकते हैं पॉज करके। पार्ट बी का जो है, पार्ट बी का इसमें पार्ट ए में एप्टीट्यूड है ना, जनरल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट ए में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं पार्ट ए में। और देन हम लोग पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी किधर गया, सॉरी मुझे थोड़ा धीरे स्क्रॉल करना चाहिए, आप देख सकते हैं थोड़ा, और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एकदम इसको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो पार्ट बी पे इम्पोर्टेंट फोकस करते हैं, क्योंकि उससे 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का यही सिलेबस है, प्लांट बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब पूछा जा रहा है। तो टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत लंबा सिलेबस है, आप कुछ ही सिलेबस को आप कवर करो, सारा का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये मैं आपको दे दूंगा। लास्ट में अब बात करते हैं कि आपके कट ऑफ कितने आने चाहिए। तो देखो पिछली बार जो कट ऑफ गए हैं 2022 में, वो लास्ट जो गया है आपका मार्क्स, कम से कम क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि इतने मार्क्स लाने पे आपको कैटेगरी 1 या 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बस आप क्वालिफाइड हो जाओगे, शायद नहीं मिले कैटेगरी 1 के लिए, सॉरी यहाँ पे मिल सकते, मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है, मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और कैटेगरी 2 में भी यहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कैटेगरी 1 के लिए फोकस करो, ज्यादातर जरूरी है, तो कैटेगरी 1 के लिए अगर आप चाहते हो
आप मिल जाए आपको कैटेगरी वन बेड का फेलोशिप, तो आपको कम से कम यहाँ पे 186 लिखा हुआ है, तो आप मान के चलो कि आपको कम से कम 195 स्कोर करने में मतलब है, ये टारगेट रख के चलना है जनरल के लिए, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स आप ऐड कर लेना और वो आपका मार्क्स आना चाहिए कम से कम। ओबीसी के लिए 170 हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 160 लेके चलो कम से कम, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 160, और डिफरेंशली एबल्ड के लिए भी 160। ये है कैटेगरीज के लिए हिसाब से मार्क्स। कैटेगरी टू के लिए अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये सारे मार्क्स लिखेंगे, तो कम से कम अगर आप 190 अगर आप टारगेट लेके चलते हो एग्जामिनेशन में, तो आप कहेंगे आपका कंफर्म आपका बेट में इस बार हो जाएगा। तो इसका बेट का जो एग्जाम होता है, बेट का एग्जाम होता है अप्रैल में, और इसके फॉर्म इस बार मार्च में आ जाएंगे। जैसे ही मार्च में अगर एप्लीकेशन का फॉर्म आता है तो मैं एक और वीडियो दे दूंगा। उसमें फीस जो होगी लगभग लगभग जनरल के लिए जो होगी 1200 के करीब होगी जनरल ओबीसी के लिए, और जो कैटेगरीज होंगे एससी एसटी के लिए ये जनरल के लिए ओबीसी के लिए, और जो कैटेगरीज होंगे 600 रुपये होंगे एससी एसटी के लिए। तो हो सकता है फीस में कोई वेरिएशन मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता वेरिएशन होगा, पिछले साल की है। तो यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में और अच्छा लगा होगा, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई चीज छूट गई अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट देके मुझे बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।